ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है, पोलराइजेशन का ये लॉ एकदम बोर्ड के हिसाब से मस्ट है कि ये आता ही आता है और इससे बेस्ड एक आदमी न्यूमेरिकल आ जाता है। अभी मैलस लॉ बताऊंगा मैं, बट मैलस लॉ के पहले जी तो आगे पीछे हो जा रहा है वीडियो, तो उसको अरेंज कर लेंगे। अच्छा, ब्रूस्टर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ब्रूस्टर्स लॉ द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन आई पी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ और ये इसका एक्सप्रेशन है, म्यू इज इक्वल टू टेन आई पी, टेंजेंट ऑफ आई पी। देखिए क्या होता है कि मीडियम वन और मीडियम टू है एक अनपोलराइज्ड लाइट, हम लोग जानते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट में दोनों कंपोनेंट रहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट में, मतलब हर टाइप के वाइब्रेशंस, और जब एक टाइप के वाइब्रेशंस बच जाते हैं तो वो पोलराइज्ड लाइट हो जाती है, उसकी चमक थोड़ी कम हो जाती है पोलराइज्ड होने के बाद, ठीक है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। अच्छा, 50% हो जाती है अगर वो पूरी पोलराइज्ड हो गई तो अगर वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे हैं, तो अगर ऐसे करके खुला हुआ है तो ऐसे करके ये उसमें से पास हो जाता है, अगर ये ऐसे करके खुला हुआ है तो ये इसमें से पास हो जाता है, और ऐसे वाले वाइब्रेशंस नहीं हो पाते हैं। तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल, दो कंपोनेंट लिया हमने, तो या तो हॉरिजेंटल वाले वाइब्रेशंस पास हो जाते हैं या तो वर्टिकल वाले, पोलराइजेशन में एक टाइप के ब्लॉक हो गए, ठीक है। अब देखिए, जब ये मीडियम वन से मीडियम टू में, ये नॉर्मल बनाया मैंने, मीडियम वन से मीडियम टू में एक लाइट रेज अनपोलराइज्ड लाइट जाती है, तो सपोज ये कुछ एंगल बनाती है, ये एंगल आई बनाया नॉर्मल से इंसिडेंट, और इसपे दोनों टाइप के वाइब्रेशंस प्रेजेंट है, मतलब इसमें पूरे वाइब्रेशन अनपोलराइज्ड लाइट है, तो ये ऐसा 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 ये देखिए, इसमें डॉट भी है और ये वाले वाइब्रेशंस और ये वाले वाइब्रेशंस, पूरे टाइप के वाइब्रेशंस प्रेजेंट है इसमें, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट सब डायरेक्शन में वाइब्रेशन करती है हर तरफ। अब इस एंगल पे मान लीजिए मतलब इस एंगल पे इंसिडेंट हुई है, इसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये वाला जो एंगल रहेगा, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो मान लीजिए कि यहां पे ना ये कुछ तो पोलराइज्ड हो गई, ये देखिए ये पहला, ये दूसरा, इसमें ये वाले, ये जो एरो वाला साइन है, ये डॉट वाले हैं एक टाइप के कंपोनेंट, और ये जो एरो वाले साइन वाले ऊपर नीचे वाले, वो वाले वाइब्रेशंस अभी प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहां पे 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं मैंने, और 6 ऐसे एरो वाले हैं और 6 डॉट वाले वाइब्रेशंस, ऐसा करके दोनों कंपोनेंट मिला के, और ये एक और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा पोलराइज्ड हुई है लेकिन ये फुल्ली पोलराइज्ड नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी ये वाले दो पोलराइज्ड हो गए हैं, मतलब दो ये ऐसे वाले वाइब्रेशंस एरो वाले खत्म हुए हैं, लेकिन बाकी में दोनों टाइप के वाइब्रेशंस है, डॉट वाले तो 6 के 6 हैं, लेकिन ये वाले वाइब्रेशंस 4 हो गए। अब इसके एंगल को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ये एडजस्टमेंट ऐसा होते जाते कि जब ये इसके पोलराइजिंग एंगल पे जब ये पड़ती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आईपी पे अगर ये पड़े तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसपे से जी,
और इस पे केवल ये एक टाइप के वाइब्रेशंस प्रेजेंट हैं, ये एरो वाले गायब हो गए जब ये पोलराइजिंग एंगल पे स्ट्राइक करता है, और ये दूसरा म्यू डीएफ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है इसमें जाएगी तो इसको ऐसे सीधे की जगह ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, रिफ्रैक्शन के हिसाब से ये। तो इन्होंने बाय ऑब्जर्वेशन पाया था कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड है, तो रिफ्रैक्टेड वाले में तो दोनों टाइप के वाइब्रेशंस हैं, लेकिन और रिफ्लेक्टेड वाले में एक ही टाइप के वाइब्रेशंस है, ये डॉट वाले, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस वाले नहीं है, मतलब वाइब्रेशन के दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक ऐसे ऐसे और एक ऐसे ऐसे, बाकी होता सब तरफ है लेकिन हमने दो कंपोनेंट में ही रिजॉल्व कर लिया उसको। तो इसका जो ये वाले वाइब्रेशंस हैं, तो इसमें एक ही कंपोनेंट बच गया, तो इसकी ये अब ये फुल्ली पोलराइज्ड हो गया, रिफ्लेक्टेड लाइट इज नाउ कंप्लीटली पोलराइज्ड। इसके पहले पार्शियली पोलराइज्ड था, ठीक है, और जब ये ऐसा होता है तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड, तो देखिए ये अनपोलराइज्ड, लेकिन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है, इन्होंने बाय ऑब्जर्वेशन पाया कि इन दोनों के बीच का जब ये टेन आई मतलब पोलराइजिंग एंगल को स्ट्राइक करता है मीडियम वन पे, तो ना रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है, ये इन्होंने पाया बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमने याद रख लिया कि जब कभी भी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से राइट एंगल पे हो, लाइट वेव जा रही है स्ट्राइक करती आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो अगर वो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे फुल्ली पोलराइज्ड हो चुकी है, कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड लाइट ये टोटली पोलराइज्ड। इसके पहले जब इसमें ऐसे टाइप के वाइब्रेशंस प्रेजेंट थे तो वो पार्शियली पोलराइज्ड थी, पूरी पोलराइज्ड नहीं हुई थी, पार्शियली पोलराइज्ड थी, मतलब थोड़े वाइब्रेशंस कम हुए थे तो उसकी थोड़ी चमक कम हुई थी, ठीक है, थोड़ी चमक कम हुई थी। तो अच्छा, इसका ये क्वेश्चन बहुत आता है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए, वेल लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजिंग एंगल, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर राइट एंगल टू ईच अदर। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहते हैं, ऐसा करके। अच्छा, अब देखिए इसका प्रूफ छोटा सा है, ये काफी आते हैं ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट जितने एंगल पे होती है उतने ही पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, तो ये आईपी मान लिया कि वो भी एंगल आईपी ही होगा। अच्छा, अगर वो एंगल आईपी है तो अपने को ये पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला ये प्लेन जहां पे स्ट्राइक किया और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री में से ये आर कट जाएगा, तो ये वाला जो एंगल बचेगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, ठीक है। ओके, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं, तो ए बी सी डी, तो हमारा कहना है, और ये नॉर्मल एन एन डैश, और ये है पी पी डैश, ठीक है। तो इसके हिसाब से एंगल सी डी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। हम लोग को ये दिख रहा है कि एंगल पी डैश बी और एन डैश, ध्यान दीजिएगा ना, ये पी डैश, ये बी और ये एन डैश,
तो ये कितना है 90 डिग्री है, पी डैश बी एन डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। और हमको पता है कि ये डी बी और एन डैश के बीच का, डी बी और एन डैश के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर, वो आर है। तो इधर का जो एंगल बचेगा ये पी डैश बी और डी, पी डैश बी डी, पी डैश बी डी इज इक्वल टू 90 माइनस आर, ठीक है। अच्छा अब हमको पता है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, दिस इज व्हाट, दिस इज 90 डिग्री, ये एन डैश बी पी डैश, सॉरी एन बी पी डैश, एन बी पी डैश के बीच 90 डिग्री है, ये आईपी कट गया तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस आईपी, ठीक है, ये 90 माइनस आईपी होगा, ओके। अच्छा अब ब्रूस्टर्स ने बताया कि जब ये पोलराइजिंग एंगल पे स्ट्राइक करती है तो इसका जो टेंजेंट होता है इंसिडेंट लाइट का जो टेंजेंट होता है इस पे स्ट्राइक करती है वो मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ओके। तो टू टेन आई पी, टेन आई पी कैन बी रिटन एज साइन आई पी बाई कॉस आई पी, ठीक है, साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी, और म्यू इज इक्वल टू हमने पढ़ा साइन आई बाई साइन आर, तो आई की जगह हमने आई पी लिखा अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई पी बाई साइन आर, ये भी म्यू है, ये दोनों म्यू है, तो ये दोनों को हम लोग इक्वल, दोनों म्यू के बराबर है तो दोनों आपस में भी इक्वल है, साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन आर। अब साइन आई पी कैंसिल हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू कॉस IP, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो साइन 9 कॉस IP कैन बी रिटन है साइन 90 माइनस IP, कॉस IP को साइन 90 माइनस IP लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू साइन 90 माइनस आई पी। अब देखिए ये साइन साइन कटाएंगे नहीं, ठीक है, साइन इनवर्स साइन तो वो चला जाएगा, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी, आर इज व्हाट रिफ्रैक्टेड एंगल एंड आई पी इज द इंसिडेंट एंगल, तो R प्लस आई पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, R प्लस आई पी मिला के मतलब ये R और ये आई पी मिला के 90 डिग्री हो गया। अच्छा अब आप लोग देखिए R प्लस आई पी बराबर 90 डिग्री आ गया है, उस हिसाब से ये एन बी एन डैश के बीच का एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए ये B पे ऐसे स्ट्राइक किया है तो ये N है, ये बी है और ये एंड एस है, ठीक। इसको मैं डायग्राम को फिर से बना देता हूं, आप देखिए तो ध्यान से ये एन है, ये बी है, ये एंड एस, तो ये यहां पे स्ट्राइक की है और अनपोलराइज्ड लाइट
ये स्ट्राइक की है पोलराइजिंग एंगल पे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये टोटल पोलराइज्ड हो गई है और ये ऐसे टू वॉज की नॉर्मल बैंड हुई है ये आर ये रिफ्रैक्टेड रे है जो कि अनपोलराइज रहेगी और रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से 90 डिग्री ये हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो देखिए ये एन बी एंड एस ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगी वो भी आईपी के इक्वल होगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब देखिए इसको हमने जो भी नाम दिया था ये रिफ्लेक्टेड रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है हमको प्रूफ करना है कि ये सी बी डी ये सी बी डी 90 डिग्री बनाते हैं मतलब इट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहते हैं तो उस हिसाब से एन बी एन डैस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. ठीक है तो एन बी एन डैस ये एन बी एन डैस ये पूरा एंगल लिखना है मेरे को तो इसको मैं लिखूंगा ये वाला एंगल देखिए ये वाला एंगल एन बी सी एन बी सी दैट इज आई पी प्लस सी बी डी ये वाला जो बीच का एंगल है सी बी डी दिस इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है दिस इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे तो एंगल सी बी डी प्लस ये वाला एंगल ये डी ये पॉइंट बी और ये एंड एस डी बी एंड एस के बीच ये रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है और ये तीनों एंगल को मिलाऊंगे तो पूरी लाइन बनती है तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा और आईपी प्लस आर इज इक्वल टू अभी 90 डिग्री निकाला था मैंने तो आईपी प्लस आर की जगह 90 डिग्री पुट करता हूं तो एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इट बिकम्स 90 डिग्री तो इट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग द सरफेस एट पोलराइजिंग एंगल. ठीक है तो उस हिसाब से ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है इसका. ठीक है और देखिए क्वेश्चन इस हिसाब से आते हैं कि जैसे एयर और ग्लास के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है दैट इज 1.5 तो पोलराइजिंग एंगल बताइए तो वहां के लिए पोलराइजिंग एंगल ग्लास और एयर के बीच का तो वहां पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 दैट इज 3/2 होता है तो उसका बताइए पोलराइजिंग एंगल कितना होगा एंगल ऑफ पोलराइजेशन दैट इज आईपी तो हम लोग वहां पे डायरेक्ट म्यू इज इक्वल टू 10 आईपी करेंगे तो म्यू की वैल्यू 3/2 होती है एमयू जी 3/2 तो ये हो जाएगा 10 आईपी इज इक्वल टू 3/2 तो आईपी इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/2 ये आंसर हो जाएगा. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और मैलुस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैलुस लॉ को अगली क्लास में बताते हैं. ठीक है